नमस्कार मंतव्य को आपन को स्वागत करछि मु स्मृति लग्ना जंगल रो मिलिछि गलित हाथीर अमृतदेह एवं निश्चित भाव रे खबर समस्त को आश्चर्य करिबो हाथी को केही मारी माटी तले पोती दबा 3 मास पर भी वन विभाग पाखरे कोनसी खबर नाही ये केमते संभव हैला ताकु ने बड़ प्रश्नवाची सृष्टि होईछि जंगल रो मिलिछि गलित हाथीर अमृतदेह पश्चिम रेंज अधीन बळीकियारी रिजर्व जंगल रे ए हाथीर गलित अमृतदेह उद्धार करा जाइछि घटना रो तदंत पई एक टीम आज पहुंचे जाइछि नरसिंहपुर तबे व्यवच्छेद रिपोर्ट आसीबा परे क्यों कारण रो हाथीर मृत्यु हेला ताहा जणा पडिबो बोली एसटीएफ टीम पक्षरो सूचना दिया जाय छी आज को किंतु 3 मास हेलाणी 3 मास पूर्वर कथा हाथीटी को केही मारी पोथी देथिबा खबर पाइतला एसटीएफ आउ चढ़ाव करथिला सूचना थाउ कि गतकाली किछि लोकंको एने जेरा मध्य करा जायथिला तबे जदी केही हाथी को मारी पोथी देथिले वन विभाग केमिति किछि जानि पाला नाही ताहा बड़ प्रश्नवाची सृष्टि करिछि रेंजर अशोक कुमार बेहरा को पचारा जायथिला बाबद रे से कहिछन्ति जे एसटीएफ टीम हाथी मृत्यु घटिथिबा खबर पाई तदंत पई आसीथिले मु सेमानको तदंत रे सहयोग करबे बोली कहिछि एने डीएफओंकर पाखरे कोनसी खबर नाही किंतु आश्चर्य करूछि जदी रेंजर कहुछन्ति मु सहयोग करबि तबे एसटीएफ पहुँचा पर सहयोग कहीं पूर्वर वन विभाग पाखे केमती किसी खबर मिलला ना कारण वन विभाग से अच्छी वन विभाग जानवा दरकार रेंज रे केते हाथी चलप्रचल करतोटी हाथी जीवन जातोटी हाथी रही कि गोटे हाथी को मारी पोती देवार 3 मास पर भी जदि वन विभाग पाखे खबर ना ये खबर टी साधारण हजम कराधारण ग्रहण करना ए बाबद्रे अधिक आलोचना करिबा हमर प्रतिनिधि शिवराम सीधासल काम सहित जोड़ी होती शिवराम एबे पर्यंत ए कथा को अंचलवासी ग्रहण कर पारु नाहंती जे वन विभाग रो ये तो निश्चय खामख्याली मनोभाव एवं आंतरिकता विहीन कथा बोली कहबा जोठी हाथी को मारी पोती दिया जाउची 3 मास पर एसटीएफ आसी पहुंचुची वन विभाग सहयोग करिबो कहउची किंतु पूर्वर वन विभाग केमती किछि जानि पाला नाही तबे से अंचल रे वन विभाग करूची कोन निश्चित भाव देखा स्मृति लग्ना गोटे पटे रेंजर दायित्वहीनता एवं कार्य दक्षता प्रश्नवाची सृष्टि कहीं घटना नुआ नुहे विगत दिन मानक आठगढ़ अंचल घटी नरसिंहपुर अंचल प्रथम घटना जदि गोटे पटे कहीपर यही बालिकियारी एगार नंबर संरक्षित जंगल जो कि हाथी मृत्यु होठार मारिकी पोती दि जाइए जहाँकि वन विभाग दृष्टिगोचर हो ना एसटीएफ पक्षर जिते बड़े यार तदंत करने गत काली आज पर्यंत एक टीम आसी पहुंची था घटनास्थल को जीवाई किसी मात्रा में बारण करपर को घटनास्थल को जाते जेसीबी द्वारा तड़ा जाता तड़ा जावापर प्रथम हाथी मुंड बाहर जहाँकि खपुरी बाहर खपुरी पर पंजरा बाहर जहाँकि बर्तमान सुधा खोला चली हाथी बयस के केमिति मला कहीं मला यह तो एक बड़ प्रश्नवाची सृष्टि करूँ आम जदि देखा जंगल में केतोटी हाथी रही हाथी रक्षणाबेक्षण करा ना यह तो एक बड़ प्रश्नवाची सृष्टि कहीं दायित्व अच्छा रेंजर विपुल रंजन अच्छा अशोक अशोक बेहरा जी अच्छा सहित आम आलोचना करूँ सी यार किसी जाणी बोली एसटीएम को कहते एसटीएफ पक्षर जेरा कर तेज देखा बाकी रहा जदि एठार केतोटी हाथी रही हाथी मैंने प्रकृत सुरक्षित अच्छा कि नहीं आज जो हाथी मरा जाए जो हाथी मरी जो कल्पना कल्पित भाव में पोता जाए रेंजर एवं वाचर मान हाथ रही जहाँकि बड़ प्रश्नवाची सृष्टि कर आगामी दिन रहा एसटीएफ पक्ष एसटीएफ टीम घटनास्थल उपस्थित अच्छा घटना गणमाध्यम सामने प्रतिक्रिया रखे किए बाबद जदि देखा गत काली आज पर्यंत सेठे तदंत जारी रही एसटीएफ पक्षर तदंत जारी रही पर्यंत खोला चली खोलार अंतिम पर्याय होनी कहीं आम जदि देखा आम घटनास्थल में उपस्थित थिलु प्रथम पर्यायर एक हाथीर मुंड बाहर जहाँ तापर अल्प मात्रा पंजरा बाहर एवं खोलाखोली बर्तमान सुधा बंद रही आरंभ होगापी जारंभ हो जना पड़ प्रकृत हाथीर बयस के दंता हाथी किंबा साधारण हाथी ता ही आगामी दिन में जना पड़ किंतु एठार बड़ प्रश्नवाची सृष्टि कर रेंजर एवं वाचर मान संपूर्ण परिमाण रे हाथ रही जो गत काली आज पर्यंत एसटीएफ पक्षर यार एक तदंत कर
ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଦାବି ହେଉଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ହାତୀ ଯେଉଁ ଗଜରାଜ ରହିଛନ୍ତି, ହାତୀ ଜଙ୍ଗଲର ରକ୍ଷାବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ପଶ୍ଚିମ ବନାଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଏଠାରେ ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ଏଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତି ପରିବେଶ ବି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ। ଏ ଖବରକୁ ଆପଣ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହାତୀକୁ ମାରି ପୋତି ଦିଆଯାଇଛି? ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ତିନି ମାସ ପରେ ଖବର ପାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଜେରା କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ରେଞ୍ଜର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସହଯୋଗ କରିବି ନିଶ୍ଚୟ, ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ବନ ବିଭାଗ ପାଖରେ ତିନି ମାସ ହେଲା କ'ଣ ଖବର ନଥିଲା? ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜୀବ ନୁହଁ, ସେ କୋଉ ହଳ ହେଇନି କି ଗୋଟେ ମାରା ହେଇନି, ତାକୁ ମାରିକି ଜଣେ ପୋତି ଦେଇପାରିବ କଣ ଜଣା ପଡିବନି। ହାତୀ ପୋତିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜେସିବି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବ ଖୋଳିବା ପାଇଁ। ସେଇ ତ ସେଇ ଜେସିବି ଯେତେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଖୋଳିଥିବ, ଯିଏ ବି ତାକୁ ପୋତି ଦିଅନ୍ତି, ଶିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅନ୍ୟ କିଏ ଥିବ, ଯଦି ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ଏରିଆ ଯାକ ଖବର ଖେଳେଇଯିବ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ହାତୀ ମରିଛି ଏବଂ ତାକୁ ପୋତା ଯାଇଛି। ବନ ବିଭାଗ ସେଠି ତାଙ୍କ ଅଫିସ ସେଠି ପାଖରେ ଅଛି, କୋଉ ନୁହଁ ଯେ ସେ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂର କି 30 କିଲୋମିଟର ଦୂର ତାଙ୍କ ବିଟ୍ ହାଉସ୍ କି ସେକ୍ସନ ଅଫିସ, କେମିତି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ 99% ସିଓର ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବରଂ ଶିକାରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହାତ ମିଳେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ରିପୋର୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଇନକ୍ୱାରି ହେବ ଏବଂ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଏଥିରେ କେଉଁମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଇଏ ପ୍ରଥମ କଥା ତ ହେଉଛି, ଇଏ ଜିନିଷ ନୂଆ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ଇତିମଧ୍ୟ ଭାବରେ ବନ ବିଭାଗ ଏଭଳିଆ ତାଙ୍କର କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଶିମିଳିପାଳରେ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି, 2010 ମସିହାରେ 13 ହାତୀକୁ ମାରିକି ସେମାନେ ପୋଡ଼ି ମରା ହେଇଥିଲା, ଶିକାରୀ ମାରିଥିଲେ, ଏମାନେ ତାକୁ ପୋଡ଼ିକି ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, କିରାସିନ ଢାଳିକି କେଉଁ ଜାଗାରେ ପୋତି ବି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବରମ୍ପର ଏଟା କରାଯାଉଛି, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବି ଏମିତି ଅଫିସର ଅଛି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ବାଘ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ବରଗଡ଼ରେ, ତାକୁ ବି ସେମିତି କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଏଟା ହେଉଛି, ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବନ ବିଭାଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫିଲ୍ଡରେ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା କଥା ସେ କିଛି ହଉନି, ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଜିରୋ। ଏବଂ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ କାମ କରୁଛୁ, ପଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆମର ଏକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ, ଗଣନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେଉଁ ଜାଗାରେ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ଲାଗିବ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ହାତୀଙ୍କର ଗତିବିଧି ରହିଛି ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କର ନଜର ରଖାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ଶିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦାନ୍ତ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକତା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ଗୁଡ଼ାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଦାବି ଏବଂ ବାଉଁଶଫୁଟ ମାରୁଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏବଂ ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଲା ଯେ ବନ ବିଭାଗର ଅବିକା ପ୍ରାୟୋରିଟି ହେଉଛି, ଫୋକସ୍ ହେଉଛି ଟୁରିଜମ୍ ଉପରେ, ସେମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେମିତି ବିକାଶ ହେବ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେମିତି ସବୁ ଜାଗାରେ ହୋଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଯୋଡ଼ି ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଉଟାକି ତାଙ୍କର ମାନେ ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ଏକଦମ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ, ତା ପ୍ରତି ଜମା ହେଲେ ଧ୍ୟାନ ଯାଏ। କାରଣ ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଲା ଯେ ସିନିୟର ଲେବୁଲରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ସିଏ କେବେ ତଦାରଖ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ମଲେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ସେ ଲୋକ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆହେଉନି, ନା ଡିଏଫ୍ ଉପରେ ନିଆଯାଉଛି, ନା ସେ ରେଞ୍ଜର ଉପରେ ନିଆହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅସୁବିଧା ଦେଲା ଆମ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ହେବ। ବରଂ ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ରୋଶନ ରଥ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ରୋଶନ, ଏ ଖବରକୁ ନେଇକି କ'ଣ ସୂଚନା ଆସୁଛି? ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଯେଉଁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛି, କେତେବେଳେ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ପାଇପାରିବା ଯେ କେମିତି ହାତୀର ମୃତୁ ହୋଇଥିଲା? କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଅନେକ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତତଃ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଯଦି ହାତୀକୁ ମାରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପୋତି ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ଡେଡ଼୍ ବଡି ଅଲରେଡ଼ି ମାଟି ସହିତ ଲ୍ୟାପ୍ସ କରିଗଲାଣି ଏବଂ ଏବେ କଙ୍କାଳ ବାହାରୁଛି, ଏବଂ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବନ ବିଭାଗ କହୁଛି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଣିନୁ, ତାହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ବିଷୟ। ହାତୀ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜନ୍ତୁ ନୁହଁ, ଯାହା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ହାତୀ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତାକୁ ମରାଯାଉଛି, ପୋତା ଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜେସିବି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଥିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଶିକାରୀ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜେସିବି ଆଣି କେବେ ବି ଏଇ କାମ କରିନଥିବେ। ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ହାତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁରାକ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଗତକାଲିଠୁ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁମାନେ ୱାଚର ରହୁଛନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ୱାଚର ସେମାନଙ୍କୁ ଜେରା କରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଯାଇକି ମାଟି ଖୋଳି ହାତୀ କଙ୍କାଳ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ସେଠି ବନ ବିଭାଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପୋଜ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ତିକ୍ତତା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏସ୍ଟିଏଫ୍
गोटे स्थान में खोली पार नापर से सात आठ किलोमीटर दूर जंगल भितर आउ गोटे स्थान में एसटीएफ खोली जोटू कि बर्तमान हाथी कंका मिलू बर्तमान जहाँ सूचना मिलू लोकाल तहसिलदार स्थान में पहुंची एसटीएफ को सहयोग करने माटी खोल और हाथी कंका बाहर पूरा कंका बाहरला स्पष्ट हम जो वास्तविक रेटा गोटे माई हाथी थी ना अंड्रा हाथी थी और पोस्टमार्टम पर स्पष्ट हम केते दिन है हाथी को मरा जाता कि सुजोग मिलू जहाँ खबर आसूची बारंबार आम देखु दात हाथी को शिकारी मैंने मारुंटे गुड़ कर हत्या करण हाथी गोटे छोटिया जीव नुह जे जहाँ अति सहजे मारी दि जा पार एत बड़ जीव को मारे निश्चित भाव में बंधुकर व्यवहार हो गुड़ कर मारुंतापर पोती दि जा सब जाणी वन विभाग नीरव हो वन विभाग कहीं जितेबाला एस टी एफ खोलताल कर बाहर करएफ डीएसपी सीधा साल अभोग आणुच्च वन विभाग जे वन विभाग सहित तो शिकारी मिली भगत अच्छी नहले तीन मास परे जोठी एसटीएफ आसी पहुंचला जन पर जन को जेरा करा जाउची पचरा उचरा करा जाउची से जगह रे वन विभाग रा निरवता एवं केवल इतिकी स्टेटमेंट दबा जे मोर अमर सहयोग रहइबो ये कोन यथार्थ लागुची देखो निश्चित भाव में प्रथम तो मुझे चाहिए जहाँ एसटीएफ डीएसपी प्रतिक्रिया रखिंट जे वन विभाग प्रथम विरोध करता प्रथम से माने जो स्थान में खोलिया चेष्टा करते सेठी वन विभाग अपोज करता सहयोग कर ना जो से माने अधा खोली से स्थान खोली पार ना द्वितीय स्थान में से माने खोली हाथी कंका बाहर करोटी ना क्योंकि सन्देह निश्चित भाव में रोच प्रथम स्थान में एसटीएफ खोलला बेले वन विभाग कहीं विरोध करता अर्थात सेठी किसी रहस्य रही जहाँ को लुचाई वन विभाग प्रयास करस परे जितेबाला एसटीएफ खबर पाउची जाई माटी खोलुची हाथी कंका माटी भितर बाहर करुच्ची से ही रेंज रे जो माने रेंजर रोचर वाचर रोचर फरेस्टर रोचे किभली खबर रोनी ता निश्चित भाव में बड़ प्रश्न घटू विभिन्न समय आम देखु ट्रेन एक्सीडेंट हो कि इलेक्ट्रिक तार संजोग आसी हाथी मृत्यु घटू कि दात जितेबले राज्य हाथी संख्या धीरे धीरे कमार लगुच दात हाथी को खोला भाव जे शिकारी माने हत्या करचंती एवं ताकू मध्य खोली की माटी खोली पोती दिया जाउची जहार चिन्ह बन्न मध्य वन विभाग पाई पारुनी निश्चित भाव रे ए घटना रे वन विभाग रो कार्य रो निष्क्रियता होई पारे एवं एक कथा भी होई पारे जे वन विभाग सब जानी नीरव रहिची तबे बाबद रे हम अधिक आलोचना करबा शिवराम को पाको फेरबा पई चाहिबे शिवराम स्थानीय अंचल रे जेतेले खबर सामना को आसिला कौन प्रतिक्रिया सामना को आसिला गाँ गहलर जो लोक मैंने से माने कि प्रत्यक्षदर्शी रही थे कि जे हाथी को जिते पता जाइला जो कथा कहते विश्वजीत बाबू जे हाथी गोटे छोटिया जीव नुहता जितेबाला पोता हम तापाई जेसीबी मशीन आसिबो एवं निश्चित भाव में रुंड हो कही कही लोक देखी थे तो निश्चित भाव में जब कह निकट में किसी लोक मैंने जहाँ सहित आम आलोचना करूलु से संपर्क टिके टिके सुराख पाई सूचना मिली कि जेहेतु एक कल्पर कल्पित मानने समस्त जाणतर ये जिनस घटी तेणु यह तो एक बड़ घटना कह गले कहीं ये घटना जाणी कहीं भी ग्रामवासी ने मुह खोलू ना कहीं आगामी दिन में जदि देखापी बाकी रहा जदि ग्रामवासी मान सहयोग रेबे यही घटनार आहरी अनेक तदंत हम जब देखा आज सका समय जिते एसटीएफ रीम आसी घटनार अनुधान करूला और घटनार अनुधान करवा कि वाचर मान विरोध करते कहीं गत काली जिते जेरा कराला किसी मात्र वाचर माने ठीक जिनस मंगी नथिले कि केउटी पोतिछंती केमिती पोतिछंती केते दिन हेला पोतिछंती हाथी रो कौन रही हाथी माई किंबा दंता हाथी अच्छी कि नहीं ताहा ही बड़ प्रश्न थिला जेपर भाव में काली वाचर मानू से आठ जन वाचर को नहीं से जेरा करते जो अल्प किसी सुराग पाई से ही सुराग अनुसार नहीं से घटनास्थल हिं माने खोला खोली आरंभ करते कि सेठे कि आज सका अन्यत्र एक जगह जोटा कि बालिकारी रिजर्व संरक्षित जंगल एगार नंबर जंगल सेटा तेणु यही जंगल नहीं जेरा करेठार खोला खोली आरंभ होता सूचना पाई नरसिंहपुर जे रही तहसिलदार आलोक कुमार देहुरी घटनास्थल पहुंची संपूर्ण मात्रा रे सहयोग करे घटनास्थल किसी समय विरती पर बर्तमान पुणी शव खोला चली हाथी मृतदेह बाहर पर्यंत ही एसटीएफ टीम संपूर्ण भाव में उपस्थित रहा शेष मुहूर्त
ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ପରେ ହିଁ ହାଡ଼ର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ବା ଯେଉଁ କିଛି ଭଗ୍ନ ଯେଉଁ ଅଂଶ ବାହାରିବ ହାତୀର ତାକୁ ହିଁ ତଦନ୍ତ କରିବ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଏବଂ ତାହା କେଉଁ ହାତୀ ତାହା ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିବ। तेणु यह ही बड़ प्रश्नवाची सृष्टि करुच्छे कि गोटे जंगल रु हाथी की मरा जाऊ पोता जाऊँगी संभव है समस्त को आश्चर्य करुच्छे। विश्वजित महांति परिवेशविद पुणि थे फेर चाहिए विश्वजित बाबू को पाखक विश्वजित बाबू केमती देखते आपण जदि एमती भाव चल माने शिकारी सहित वन विभाग मधु चंद्रिका जदि हाथ सामिल निश्चित भाव आगामी दिन में पशु जाति प्रति विपद रही हाथी संख्या जहां वर्तमान ओडिसा रे चिंताजनक आगामी दिन तो ताहा संगीन हेबो। हाँ संगीन तो माने संगीन तो हे सारलानी हबो बोली कथा न माने हाथी जो रेट रे मरुचनी प्रत्येक वर्ष हमर 60-70 हाथी मरुचनी जात्र के दंता हाथी पे पाखा पे 30 रु 35 तो जदी प्रत्येक वर्ष 30-35 दंता हाथी मरिवे जे बाकी टोटल पॉपुलेशन हमर 1900 भीतरे 1900 हाथी पाखापाखि अच्छा ओडिशा रे तेरे हाथी भविष्य ही ना ओडिशा रे देखा गले कारण दंता हाथी न रही आप प्रजनन हो पारे छुआ भल छुआ जन्म हो पारे और आगामी दिन में हाथी जो वंश जो वृद्धि होवार अच्छी तो हो पारे से ही प्रक्रिया चलती हाथी प्रति ओडिशा एवं सारा इंडिया भारत वर्ष कह एलिफेंट ग्रेवियार इंडिया ग्रेट सब बड़ हाथी श्मशान बेचित होशार वर्तमान एटी जो रेट ऑफ डेथ अच्छी जी हाथी पॉपुलेशन नहीं परसेंटेज डेथ पॉपुलेशन हाइएस्ट अलगा पूरा इंटायर कंट्री रे कर्नाटक आम तीन गुण हाथी अच्छी आसाम पाखापा अढ़ई गुण हाथी अच्छा डेथ रेट कम अच्छी वन विभाग हाथी प्रति पशु प्रति आंतरिकता के भाषण बाजी और वास्तविकतार केते तफात रही केते फरक रही एक निजे आपण देखुछंती।